स्पेशल कोर्ट की फॉर्मेशन थी वो कैबिनेट की मंजूरी के बगैर दी गई, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसकी फॉर्मेशन फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल के साथ होना जरूरी है। तो अब इसी शक पर इन्हिसार हुआ है इस तमाम लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले का। तो क्या ये जो स्पेशल कोर्ट की फॉर्मेशन थी इसको गैर आइनी करार देते हुए क्या स्पेशल कोर्ट का दिया गया फैसला जो है वो भी हम देख रहे हैं कि कलदम हो जाता है? तो ये जो डेथ सेंटेंस थी और जो पैरा 66 पर हमने देखा था बहस हमारे सामने थी वो सब बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गई, वो पूरा एक चैप्टर शटडाउन हो गया। देखिए नीलम, बिल्कुल बेसिकली उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि 18 अमेंडमेंट में दो तीन चीजें थी। एक तो ये नहीं था कि वो ट्रीजन का केस नहीं बनता था क्योंकि ये हेल्ड इन अबेंस था और हेल्ड इन अबेंस उस वक्त नहीं थे, ये पुराने रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से उन्होंने इसको ऐड किया, जो ये नहीं हो सकता। जो भी नया अमेंडमेंट आती है पुराने का उसके ऊपर लागू होना नहीं होता, एक तो ये था। नंबर टू बात ये थी कि जब एक्यूज एब्सेंट थे वो थे ही नहीं, इतनी सीरियस सीवियर पनिशमेंट के अंदर जब तक एक्यूज को ना सुना जाए इनके रीजंस क्या थे, सरकमस्टांसिस क्या थे, वो भी उसके ऊपर नहीं सुना गया, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये नहीं था। और तीसरा, जाहिर है 18th अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट ऐसा करेगी वो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट अपना परसोर करना चाहता था, जिसकी वजह से कोर्ट बनाया गया और उसको चलाया भी इसी तरह किया। बाद में जो भी खोसा साहब थे आपके सामने, उन्होंने जैसे मुक्के रेस करके बात की, इंटेंशन जाहिर करी कि उनके क्या मकसद थे, कैसे वो आर्मी को रेडिक्यूल करना चाहते थे, चाहे वो जन बाजवा का केस ऑफ सेंशन का या जे जन मुशरफ का हो। तो ये सारी चीजों को जब हाईकोर्ट ने फुल बेंच ने देखा।